बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टोपोलॉजी का टॉपिक है, बेसिकली वो बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन उससे पहले हमारी एक डेफिनेशन रहती है, तो पहले हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल सेपरेबल स्पेसेस की डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन इट इज कॉल्ड सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस इफ, अब देखिए सेपरेबल स्पेस बनने के लिए इसकी कंडीशन क्या है। इफ देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ई ऑफ एक्स व्हिच इज सब, अब जो सबसेट है वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल एंड डेंस, काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो इन एक्स। इट्स मीन हमारा जो एक लेयर है वो एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमारी कोई स्पेस है, हम उसको सेपरेबल स्पेस बनाना चाहते हैं, तो उसकी किसी भी सबसेट को काउंटेबल और डेंस होना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इफ एनी टोपोलॉजिकल स्पेस हैविंग ए सेट विच इज काउंटेबल एंड डेंस, और इस स्पेस कंटेनिंग ए सबसेट कंटेनिंग ए काउंटेबल एंड डेंस सबसेट, दिस स्पेस इज नोन एज सेपरेबल स्पेस। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं ए बार इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। सिंपल, जैसे हम डेंस के लिए कर रहे थे उसी तरह से इसमें भी जस्ट क्लियर फाइंड करेंगे। अगर वो एक्स के इक्वल आ जाता है तो ये सेपरेबल है, अगर नहीं आता तो ये सेपरेबल नहीं है। लेट्स सपोज टॉ इज गिवन एज फाई ए बी ए बी एंड एक्स। ओके जी, तो हम यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं फाइंड एक्स इज सेपरेबल और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके क्लोज्ड सेट्स लिखते हैं। तो क्लोज्ड सेट्स लिख लेते हैं। क्लोज्ड सेट्स आर, क्लोज सेट्स आपको फाइंड करना आते हैं। हमने ओपन का अगर क्लियर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे। चलिए जी, ओपन सेट्स के जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से जब फाई का करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट आ रहा है क्लोज सेट, वो है एक्स। जब एक्स का करेंगे तो आ जाएगा फाई। ए है तो इससे रेलिवेंट आ जाएगा बी सी एंड डी। बी के लिए आ जाएगा ए सी एंड डी। ए बी के लिए आ जाएगा सी एंड डी। तो अब हमारे पास ए जो है वो मैं जो है वो कोई भी एक्सपोज कर लेती हूँ। लेट आई हैव ए एज सेट ए बी। ए मैंने ले लिया ए बी। अब मुझे फाइंड करना है ए का कुलेयर। ए का कुलेयर फाइंड करने के लिए आपको पता है क्लोज सुपर सेट फाइंड करते हैं। तो देखें इसका सुपर सेट जो है वो जस्ट एक्स बन रहा है, तो ये तो डायरेक्ट ही बन गया। सो ए जो है वो आप देख रहे हैं ये काउंटेबल भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस A is countable and dense in X, dense भी है countable भी है, so X tau is a separable space। तो इसको हम कह सकते हैं ये separable space है। होप सो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। सेपरेबल स्पेस सिंपल जो है इसकी हमने डेफिनेशन की है और एक एग्जांपल की है कि अगर हमने इसको फाइंड करना है तो हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
तो अब जो है वो हम आज के अपने जो है वो टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है बेसिस। तो बेसिस की डेफिनेशन कर लेते हैं, व्हाट इज बेस इन टोपोलॉजिकल स्पेस। तो बेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बेस की डेफिनेशन लिखते हैं। लेट एक्स टॉप बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट, हम इसके टॉप में से कोई सब कलेक्शन ले लेते हैं। लेट बी बी ए सब कलेक्शन, बी कोई हमने सब कलेक्शन ले ली है ऑफ टॉ, टॉ में से हमने एक सब कलेक्शन ली। किस तरह की सब कलेक्शन है इसको मैं जो मैथमेटिकली डिफाइन कर देती हूँ। लेट बी इज इक्वल टू बी अल्फा, अल्फा इज एनी नंबर एंड बी अल्फा इज एनी ओपन सेट ऑफ टॉ। बी जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। चलो मैं इसको लिख भी देती हूँ, बी इज नॉन एम्प्टी। देन दिस सब कलेक्शन बी इज, देन बी इज ए बेस ऑफ टॉप। तो बेस की डेफिनेशन क्या है कि हमने टोपोलॉजिकल स्पेस की जो हमारे पास टोपोलॉजी डिफाइन होती है, जो हमारे पास टॉ होता है, उसकी सब कलेक्शन लेनी है। उस सब कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये बेस है ऑफ टॉ। अब ये है कि इसके लिए ऑफ कोर्स कोई कंडीशन भी होनी चाहिए कि हमने किस तरह के सबसेट्स जो हैं वो लेने होते हैं, कैसी सब कलेक्शन लेनी होती है। तो कंडीशन इसके लिए हम देख लेते हैं, इफ एवरी ओपन सेट यू, लेट सपोज यू इज एनी ओपन सेट, इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। अगर बी के मेंबर्स का आपस में यूनियन करें तो हमारे पास टॉ के जो है वो ओपन सेट बनने चाहिए। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें पर जो है वो क्लियर हो जाए कि हमने बेस फाइंड किस तरह से करनी है, कंडीशन क्या है। लेट एक्स इज इक्वल टू टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट सपोज हमारे पास गिवन है ए बी सी डी एंड डी एंड लेट टोपोलॉजी इज डिफाइंड एज फाई एक्स ए बी सी डी ए बी सी एंड डी। एक्स में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो टोपोलॉजी डिफाइन है, फाइंड बेस, बेस आपने यहाँ पे जो है वो फाइंड करनी है। तो हम इसका जो है वो सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन के लिए आप देखें, मैं जो है वो खुद से यहाँ से कोई भी बेस के लिए एक सब कलेक्शन ले लेती हूँ टॉ में से। मैं यहाँ से जो कलेक्शन ले रही हूँ, मैंने लिया है फाइव ए बी सी डी एंड एक्स। तो अब देखें कि हमने बी ऐसी बेस लेनी है, ऐसी सब कलेक्शन लेनी है जिसके एलिमेंट्स को, जिसके सबसेट्स को अगर मैं आपस में यूनियन करूं तो मेरे पास सारे ओपन सेट बनने चाहिए। चेक करते हैं फाई कब बनता है। तो फाई आप देख सकते हैं कि जब मैं फाई का यूनियन फाई से लूंगी तो फाई बन जाएगा। नेक्स्ट इज एक्स, तो एक्स भी बन जाएगा। एक्स बनाने के लिए तो आपको पता है किसी का भी एक्स के साथ मैं यूनियन लूंगी तो एक्स बन जाएगा। अगर मैं फाई यूनियन एक्स करती हूँ तब भी एक्स बन रहा है। अगर मैं यहाँ से ए बी यूनियन एक्स करती हूँ ये बी एक्स बन रहा है।
अगर मैं यहाँ से सी डी यूनियन एक्स करती हूँ तो ये भी मेरे पास एक्स बनता है, अगर मैं एक्स यूनियन एक्स करती हूँ ये भी एक्स बनता है। अब अगला जो हमारा ओपन सेट है वो है ए बी। ए बी चेक कर लेते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं कि बेस में से यहाँ से देखें फाइ यूनियन ए बी करने से ये ओपन सेट भी हमें कंटेन हो रहा है। नेक्स्ट इज सी डी, तो सी डी भी आ रहा है एज इट इज फाइ इंटू ए बी सॉरी सी डी। नेक्स्ट ओपन सेट इज ए बी सी एंड डी, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास बेस में दो सबसेट्स हैं ए बी यूनियन सी डी। अगर मैं इनका यूनियन करूंगी तो मेरे पास ये ओपन सेट भी बन जाएगा। अगर तो बी में हमने ऐसी कलेक्शन ली है सबसेट्स की जिनका आपस में यूनियन करने से हमारे पास सारे ओपन सेट बन रहे हैं, जैसा कि इस केस में बन रहे हैं, सो हम कहेंगे कि बी इज बेस ऑफ टॉ, बी इज बेस ऑफ टॉ। ये हमने यहाँ पे शो करवा दिया है कि बी जो है वो टॉ की बेस बन गई है। एक मैं जो है वो इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, तो ये एग्जांपल जो है थोड़ी सी इससे जो है वो डिफरेंट है, लेकिन आपने उसको ट्राई करना है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप वो जो है वो कर सकते हैं। तो एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक्स गिवन है विच इज़ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, एंड यू हैव B is AB, BC, D, phi and X। आपने करना क्या है, आपने ये प्रूव करना है कि ये B इसकी बेस है या नहीं। प्रूव दैट B is नॉट बेस। चलें ये भी मैंने बता दिया कि ये बेस नहीं बनेगा, तो आपने प्रूव करना है प्रूव दैट बी इज नॉट बेस ऑफ एनी टोपोलॉजी, बेस ऑफ एनी टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इसका आपने सॉल्यूशन करना है, अगर ना होगा तो इसको हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है वो ट्राई लास्ट में करना है। ओके जी, अब इसके जो है वो हम नोट में जो है वो टू पॉइंट्स इसके जो है वो लिख लेते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे तो हमें पता होगा कि इसको किस तरह से करना है। वी कैन राइट, आपको पता है अगर हमारे पास जो है वो एक सब सेट गिवन है, लेट्स सपोज ए बी एंड सी, तो इसको हम एज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लिख सकते हैं, एज ए कलेक्शन ऑफ यूनियन। यूनियन किसका, सिंगलटन सेट्स का। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए बी सी इज इक्वल टू ए सेट यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैंने क्या किया है, मेरे पास एक सेट गिवन था ए बी एंड सी, तो इनफैक्ट मैंने जो है वो इसका इसकी पार्टीशन कर दी है, मैंने इसको एज ए यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स लिख लिया है। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी सेट को जो है वो एज ए यूनियन ऑफ इट्स सिंगलटन सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको वन कह दूं और इसको मैं टू कह दूं, तो यहाँ जो है हमने गेस किया है एनी सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ इट्स सिंगलटन सेट्स। मैंने सिंपल इसको जो है वो लिख दिया है। लेट्स सपोज अगर हम किसी सेट का कोई एक एलिमेंट लेते हैं यू, किसी सेट यू में से एक एलिमेंट लेते हैं एक्स, जो कि जैसे मैंने इसमें कहा ए बी सी में से मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया ए, तो यहाँ पे मैं जो है उसको जनरलाइज फॉर्म में मैंने उसको एक्स बोल दिया है। तो यू इट्सेल्फ जो है ये किसकी इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल एक्स।
यूनियन ऑफ ऑल एक्स, ये अपने ही सारे पॉइंट्स का। अब एक्स क्या है, एक्स इज फ्रॉम यू, तो अब यू को मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है। अब यू की जगह पे ए भी यहाँ पे यूज कर सकती है, कैपिटल ए, ताकि यहाँ पे यूनियन और यू में जो है वो डिफरेंस रहे। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन टर्म ऑफ बेस हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इन केस ऑफ बेस जी, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड पी ऑफ एक्स। आपको पता है डिस्क्रीट की हम बात करते हैं तो पी ऑफ एक्स हमारे पास इसकी टोपोलॉजी बनती है। पी ऑफ एक्स इज इट्स टोपोलॉजी। लेट्स सपोज वी हैव एक्स एज, एक्स ऐसा सेट है जिसमें एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एन एलिमेंट्स हैं। बेस इज कंसिस्टिंग ऑफ, यही क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होगा, बेस इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंगलटन सेट्स। अगर हम सारे सिंगलटन सेट्स को जो है वो एज अ कलेक्शन लिख दें तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी बेस है, डिस्क्रीट बेस है। इट्स मीन यहाँ पे जो बेस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वन एक्स टू, देखिए मैंने सारे जो है वो सिंगलटन सेट्स लिखे हैं, तो आपको पता है क्योंकि ये सारे पावर सेट्स होते हैं तो इसमें जो है वो सारे ही सिंगलटन सेट होते हैं, तो इसी वजह से मैंने जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी इन टर्म ऑफ बेस इसको मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया कि अगर हम सारे सिंगलटन सेट्स की एक कलेक्शन बना ले तो उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें हैं, मैं इसको राइट नहीं कर रही लेकिन आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो फाई है ये क्योंकि हमारे पास जो है वो यूनियन होता है एम्प्टी कलेक्शन का, तो अगर आप बेस में फाई को लिखें या ना लिखें ये अंडरस्टूड है, ठीक है। बेस में फाई का लिखना ज़रूरी नहीं है, फाई इट्सेल्फ क्या है, दिस इज़ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शंस, दिस इज़ यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शंस। सो फाई जो है वो बिलोंग कर भी सकता है उसे और नहीं भी, आप अगर ना भी लिखेंगे तब भी ठीक है, फाई को अगर बेस में लिखें या ना लिखें दोनों तरह से ठीक होगा। तो और दूसरी बात ये है कि किसी भी जो स्पेस है, कोई भी हमारे पास अगर स्पेस है तो ज़रूरी नहीं उसकी एक ही बेस हो, एक से ज़्यादा बेस हो सकती है, तो मैं ये पॉइंट जो है ये लिख देती हूँ, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉ मे हैव मोर देन वन बेस, मोर देन वन बेस। तो इसके लिए भी आप जो है वो एग्जाम्पल जो कर सकते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। आपने इसकी जो है वो एटलीस्ट टू बेसिस जो है वो फाइंड करनी है, एक्स गिवन है, टॉयज का गिवन है, आपने इसकी जो है वो टू डिफरेंट बेसिस फाइंड करनी है, ज़रूरी नहीं कि ये टोटली डिफरेंट हों, आप इसको फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फाइंड बेस वन एंड बेस टू, टू बेसिस आपने एटलीस्ट इस एग्जाम्पल के लिए फाइंड करनी है। अब हम डिफाइन कर लेते हैं बेस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी, अब कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं देन हम थ्योरम पे जाएंगे। बेस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी, जी तो यूजुअल टोपोलॉजी आपको पता है कि इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो मैं इसी को जो है पहले लिख लेती हूँ, लेट टो इज ए यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी इन एयर या ऑन आर, और आपको पता है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ओपन इंटरवल्स वेयर ए वी आर एलिमेंट ऑफ रियल लाइन। अब हम यहाँ पे बेस डिफाइन कर लेते हैं, बेस को किस तरह से लिखना है, तो बेस इज
कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ऑफ कोर्स बेस वही रहेगी, जस्ट यूजुअल टोपोलॉजी है तो ओपन इंटरवल में ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो बी इज ए बेस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी. तो यूजुअल टोपोलॉजी के लिए हमने बेस यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर दी. अब हम डिफाइन कर लेते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी या बेस ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी. दोनों तरह से सेम है. रिलेटिव टोपोलॉजी और बेस ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी. बेस ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी, तो इसके लिए आपको पता है रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए हमारे पास जो है वो टू टोपोलॉजीज होती हैं. तो पहले हम उसी को डिफाइन करेंगे कि लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस. पहले हम इसकी जो है वो बेस डिफाइन कर लेते हैं. लेट बी इज बेस ऑफ टॉ एंड बी इज डिफाइंड एज, ये आपको पता ही है कि हम बेस को जो है वो इस तरह से ही डिफाइन करते हैं व्हेन अल्फा इज एनी नंबर. लेट, अब हम यहाँ पे वाई को डिफाइन कर लेते हैं. लेट वाई बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स एंड टॉ वाई, अब हम टॉ वाई कह देते हैं. टॉ वाई इज रिलेटिव टोपोलॉजी. अगर जो टॉ वाई है ये जो है वो रिलेटिव टोपोलॉजी है ऑन वाई, देन अब हम इसकी बेस किस तरह से डिफाइन करेंगे. यहाँ पे हम ये कहते हैं, पहले हमने क्योंकि बेस को जो है वो बी लिखा है, तो अब हम जो है वो रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करने जा रहे हैं. तो मैं इसको जो है वो बी स्टेरिक बोल देती हूँ. देन बी स्टेरिक इज बेस ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी. ओके जी, रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए बी स्टेरिक इज बेस ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी एंड इज डिफाइंड एज. अब इसको हम किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, तो बी स्टेरिक को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे एज इट इज, जैसे हम रिलेटिव टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं. वाई इंटरसेक्शन बी एल्फा क्या है, बी एल्फा बिलोंग्स टू बी. बी एल्फा की आपने इंटरसेक्शन करना है वाई से, और जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे वो आपके बी स्टेरिक के पॉइंट्स होंगे, और जो बी एल्फा है दिस बिलोंग्स टू बेस बी. अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव सेट एक्स एज ए बी सी एंड डी एंड इट्स टोपोलॉजी इज फाई एक्स ए एंड सी. तो पहले जो है वो इसके लिए बेस डिफाइन कर लेते हैं. लेट बेस ऑफ टॉ जो है वो हमने एक कलेक्शन ले ली है ए सी एंड एक्स. देखिए मैंने कहा था कि फाइव को आप लिखें या ना लिखें दोनों तरह से ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. आप अगर लिख भी लेते हैं तब भी ये ठीक है, या मैं साथ में इसको लिख लेती हूँ कि फाई इज यूनियन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस एम्प्टी कलेक्शंस. लेट वाई इज सबसेट ऑफ एक्स एंड वी टेक वाई इज ए सी एंड डी. तो टोपोलॉजी ऑफ y डिफाइन कर लेते हैं विच इज y a, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे इसकी टोपोलॉजी ac
अब हम यहाँ पे बी स्टेरिक को डिफाइन करेंगे। अब बी स्टेरिक में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आपको पता है इसके लिए हमने करना क्या है, वाई इंटरसेक्शन बी एल्फा, वाई इंटरसेक्शन बी एल्फा। तो इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इंटरसेक्शन ए हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो ये ए के ही इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए आ रहा है। वाई इंटरसेक्शन यहाँ से सेकंड बी अल्फा क्या है, सी, तो ये सी ही आ जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे हमारी सेकंड कलेक्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट इज वाई इंटरसेक्शन एक्स, तो क्योंकि वाई एक्स का सबसेट है तो यहाँ वाई ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द रिलेटिव बेस। सो बी स्टेरिक को हमने यहाँ पे बी स्टेरिक इज रिलेटिव बेस हमने फाइंड कर ली है। और यहाँ पर भी आप एज इट इज लिख सकते हैं कि जो फाई है दिस इज कलेक्शन ऑफ एम्प्टी, दिस इज यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शंस। तो इसको बेस में ना भी लिखें देन भी ये ठीक है। तो अब हम जो है इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसका थ्योरम जो है वो डिस्कस कर सकें। सो आज हम इसको एग्जांपल्स पे ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसका जो है वो थ्योरम करेंगे इसी से रिलेटेड। तो इसकी जो है मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल्स करने के लिए दी हैं, सेम इसी तरह से इससे रिलेटेड भी आपने कुछ एग्जांपल्स कर लेनी है, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो जो भी थ्योरम का पार्ट होता है या एग्जांपल्स रिमेनिंग होती हैं जो आप लोगों को करने के लिए दी जाती हैं, उसको लाजमी करें, ताकि अगर वो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको हम जूम सेशन में जो है वो डिस्कस कर सकें। ओके जी, इसकी प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।